हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिता राठी क्लासेस। आज के सेशन में बच्चे हम करेंगे सेवंथ क्लास का चैप्टर है और चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड इयर्स। यहाँ पर हिस्ट्री के इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट के टर्म्स हैं उनको रिवाइज करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और कोई भी सेशन आप स्किप ना कर पाए। फर्स्ट जो चैप्टर है, हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को समझना जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिया गया है, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्लेन्स पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है, और किसकी ब्रांच है? नॉलेज की। इस नॉलेज में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पास्ट के इवेंट्स को, जो चीजें गुजर चुकी हैं उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या? हिस्ट्री। क्लियर? अब हिस्ट्री की कुछ डिविजन होती है। क्लियर? हिस्ट्री को हम अच्छे तरीके से समझने के लिए उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री, जो सबसे पहले अर्ली मैन की जो इवेंट्स थे उनको एंशियंट हिस्ट्री में रखा गया। उसके बाद है मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, जब हमने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। और नेक्स्ट आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम आज के टाइम में जिस तरीके से डेवलप है, ये डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमारी हिस्ट्री कितने पार्ट में? एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीन पार्ट में क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो गई है। क्लियर? आप जानिए यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। सेवंथ क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या नाम दिया गया? मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, अब मेडिवल हिस्ट्री भी टू पार्ट्स में डिवाइड की गई, अर्ली मेडिवल, ठीक है, और उसके बाद का जो मेडिवल, लेटर जो मेडिवल टाइम पीरियड था उसके बारे में। इट स्पान्स फ्रॉम 8th to 12th century, ठीक है। तो अर्ली मेडिवल जो टाइम है उसको किस में? 8th से और 12th सेंचुरी के बीच का जो टाइम है उसमें रखा गया या काउंट किया गया। ड्यूरिंग विच दीपालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड राजपूता वर डोमिनेटेड फोर्सेस। देखिए, अर्ली मेडिवल टाइम में कुछ फोर्सेस, कुछ वहां पर डायनेस्टीज थी जो डोमिनेट करी थी, मतलब रूलिंग अथॉरिटी से जुड़ी हुई थी उस आसपास के एरिया में, वहां पर क्या इनकी पावर थी। ठीक है, तो कौन थे वो? पालास थे, प्रतिहारास थे, राष्ट्रकूटा थे, चोला थे और राजपूत थे। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लेट मेडिवल के बारे में। ठीक है, लेटर जो मेडिवल थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये लेटर मेडिवल है, इसको कौन से हम टाइम स्पान में रख सकते हैं? देखिए, जो 13th से 18th century के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको हमने नाम दिया किसका? लेटर मेडिवल का या लेट मेडिवल का। क्लियर? द पीरियड स्टार्ट्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तनेट। किसके यहाँ पर 13th से 18th का जो टाइम पीरियड है इसमें एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो गई थी, कौन से रूलिंग्स आ गई थी यहाँ पे? दिल्ली सुल्तनेट के। एंड एक्सटेंड टिल रीजन ऑफ मुगल्स, और कब तक चला ये? मुगल्स की रूलिंग तक। ठीक है, मुगल्स जो थे उन्होंने रूलिंग या अपनी जो उनकी पावर थी जब तक उसको एक्सटेंड किया, आगे एक्सपेंड किया। नेक्स्ट हमारी टर्म जो हमें जाननी जरूरी हो जाती है, व्हाट हैपेंड इन मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। देखिए, मेडिवल पीरियड क्या था? मेडिवल पीरियड को हमने टू पार्ट में, टू जो पीरियड्स हैं उसमें क्लासिफाइड कर दिया। अब यहां पर जानेंगे कि मेडिवल पीरियड जो है उसमें ऐसा स्पेशल क्या हुआ था, ऐसे कौन से इवेंट्स थे। तो दिस पीरियड विटनेस्ड, किसकी बात हो रही है? मेडिवल पीरियड की। दिस पीरियड विटनेस्ड लार्ज स्केल चेंजेस, कि इस टाइम में हमने बहुत बड़े बड़े बदलाव जो है वो नोटिस किए। अब बदलाव किसमें नोटिस करेंगे हम? सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में और रिलीजन और कल्चर में, इन सारी चीजों में जो चेंजेस हुए, जो चेंजेस वहां पर देखे गए, उन सारे चेंजेस को नोटिस किया किसने? मेडिवल पीरियड ने। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट देखिए, अब मेडिवल जो पीरियड है उसके सोर्सेस क्या है। ठीक है, पुराना टाइम है, हिस्ट्री है, बीत चुका है। ठीक है, जब हिस्ट्री की ये इवेंट्स वहां पर हो रहे थे उस टाइम पे हम वहां पर नहीं थे, तो उन चीजों को जानने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए हमें कुछ जो वहां पे सोर्सेज हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता है कि जो उस टाइम पर रिटर्न हो सकते हैं या वहां पर जो जो चीजें कंपोज की गई उनके ऊपर क्या है, हम यहाँ पर बेस्ड है। तो सोर्सेज कौन से? देखिए, फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है
हिस्टोरियंस यूज्ड इंस्क्रिप्शंस। क्लियर, किसकी बात हो रही है बच्चे? इंस्क्रिप्शन, जो किस पर? स्टोन्स पर, ठीक है, या सोलिड सरफेस पर वहां राजा या रूलिंग या पावरफुल अथॉरिटी जो है लिखवाती थी अपने बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, अपने ऑर्डर्स के बारे में, जो आज भी हैं और जिनको हम क्या पढ़कर उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस के अलावा और क्या हो सकता है? बिल्डिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर है, वो किताबें जो धर्म के या धर्म के ऊपर नहीं लिखी गई थी, इस तरीके की वैरायटी ऑफ बुक्स वहां पर, लिटरेचर वहां पर है। इट हैज फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री। ये माना जाता है कि मेडिवल पीरियड में जो रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है, वो मेडिवल पीरियड के हमें पहली बार कहें मिले, उससे पहले एंशियंट जो है उसके बारे में हमें इतने रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं जितने कि हमें मेडिवल पीरियड के बारे में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। आप इसमें देखिए, हमने किसके बारे में, सोर्सेस के बारे में जाना, तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे किसके बारे में? लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। किसके बारे में बच्चे? लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। तो लिटरेरी सोर्सेस में देखिए, एक्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लिटरेरी और टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज नोटेबली ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि जो रिटन कॉन्टेंट था वो यहां पर क्या है, जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स हैं इस टाइम पीरियड में इंक्रीज हुए। कि हर इवेंट को रूलिंग अथॉरिटी क्या करवा रही थी? रूलिंग या पावरफुल जो अथॉरिटी थी वो उन सारी चीजों को नोट कर रही थी, नोट करवा रही थी, ठीक है, किसके बारे में? अपने प्रेस के बारे में, अपने जो उनकी पॉलिसीज थी उनको आगे दूसरे लोगों को बताना चाहते थे, और इसलिए उनका क्या करवा रहे थे? वो रिकॉर्ड्स बनवा रहे थे। क्लियर। लिटरेट्स एंड क्रॉनिकल्स रोट क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, पेटिशंस, न्यूडिशियल रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स एंड टैक्सेस। राजा जिस तरीके से भी एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क कंप्लीट करता था या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को कंप्लीट करता था, जो जो वहां पर वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग के लिए जो जो पॉलिसीज बनाता था, जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं उनसे या ट्रेडर्स हैं उनसे किस तरीके से टैक्स लेता था, कौन सा पैसा वो खुद दान के लिए देता था, वो सारी चीजें किसमें? अपने कुछ जो उनके ऑफिशियल्स थे उनसे लिखवाते थे, उनसे नोट डाउन करवाते थे, जिनको लिटरेट्स कहा गया या क्रॉनिकल्स कहा गया, ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ सेंट्स एंड ट्रेडर्स ट्रांजेक्शंस वर ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन दीज पेपर्स। आप इस टाइम पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, जो सेंट थे, ठीक है, जो संत महात्मा थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी, जो अच्छी बातें, जो टीचिंग्स उन्होंने कही, या ट्रेडर्स ने अपना जो सामान बेचा या खरीदा उसके लिए जो स्लिप, आज के टाइम में भी जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है? बिल मिलता है, उसमें अमाउंट लिखा हुआ होता है, वेट लिखा होता है, क्वालिटी के बारे में वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो इसी तरीके से जो ट्रेडर्स हैं, जो अपने सामान को बेचते थे या कोई खरीदता था, तो ट्रांजेक्शन का उनके पास क्या होता था? रिकॉर्ड होता था। और जिस जो रिकॉर्ड था वो किसके ऊपर बनाया जाता था? पेपर के ऊपर बनाया जाता था, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हम जानेंगे किसके बारे में? इंपोर्टेंट क्रॉनिकल्स के बारे में, कि राजा के जो बारे में, उसके प्रेस के बारे में, राजा जो अपने रूलिंग जो फंक्शनिंग है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज के बारे में जो लिखवाना चाहता था, तो वहां पर हर एक जो रूलर था उसके रूलिंग में कुछ फेमस क्रॉनिकल्स हुए हैं, और उनमें से देखिए यहां पर कौन है। फर्स्ट जो थे, यहां पर हम बात करेंगे किसकी? कलहण की। किसकी बात करेंगे? कलहण की। ही रोट राजतरंगिनी हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। तो कलहण, इन्होंने क्या लिखा? राजतरंगिनी लिखा, और किसके बारे में? कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है जियाउद्दीन बरन, ठीक है, किसके बारे में? जियाउद्दीन बरूनी भी कहा जाता है इनको। ही रोट तारीखा फिरोज, तारीख मतलब इतिहास, ठीक है। तो इन्होंने फिरोज के बारे में, फिरोज के जो रूलिंग अथॉरिटीज थी, उसके जो पूरा अंपायर था, उसके बारे में लिखा। विच डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान सुल्तान ऑफ डेली टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये किसके बारे में? जियाउद्दीन बरूनी की बात हो रही है, और ये किसके बारे में लिख रहे थे? दिल्ली सुल्तान के बारे में लिख रहे थे, और कब तक के टाइम में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक के बारे में इन्होंने क्या है यहां पर लिखा। नेक्स्ट जो क्रॉनिकल्स है, देखिए फरिश्ता, ये किसके बारे में? ही रोट तारीखा फरिश्ता, इन्होंने जो फरिश्ता है उसके इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा। विच डिस्क्राइब्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तनेट फ्रॉम द टाइम ऑफ द तुर्क्स। अब देखो ऊपर किसने? जियाउद्दीन बरूनी ने भी किसके बारे में? दिल्ली सुल्तान के बारे में लिखा, लेकिन किसके? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड के साथ। और यहां पर दिल्ली सुल्तान के बारे में लिखा गया, लेकिन किसके बारे में? तुर्क से, तुर्क जो थे उनके बारे में लिखा गया, और कब तक? अप टू 17th सेंचुरी। क्लियर, ये आप यहां पे जो डिफरेंशिएशन है उसको समझते चले। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है अमीर खुसरो,
ठीक है. ही रोट खजनुल फुतुह एंड तुगलक नामा विच डील्स विद द रीजन ऑफ खलजीज एंड तुगलक. अब अमीर खुसरो ने लिखा किसके बारे में, खलजीज के बारे में और तुगलक्स के बारे में, कि उनकी रूलिंग किस तरीके की थी, किस तरीके की पॉलिसीज थी, वो इन्होंने लिखी. तो हमने जाना किसके बारे में, कुछ फेमस क्रॉनिकल्स के बारे में. अब इसके अलावा आ जाती है एक और टर्म है मैन्युस्क्रिप्ट्स. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आपकी क्या होती है, हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है. ठीक है, और वो हैंड रिटन रिकॉर्ड हमें उस टाइम पीरियड के बारे में ग्रेट इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं. आर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल. जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हैंड रिटन होती थी, ठीक है, लीव्स पर लिखी जाती थी या कपड़े के ऊपर लिखी जाती थी. ठीक है, तो इस तरीके के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये कौन लिखवाते थे, वेल्दी पीपल, अमीर लोग, रूलर्स. ठीक है, या मोनेस्ट्रीज में ऐसे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, टेम्पल्स के लिए ऐसे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, और इनको स्टोर करके रखा जाता था किसमें, आर्चीव्स में. ठीक है, आर्चीव्स आपकी क्या होती है, जहां पे हम अपने रिटर्न जितनी भी अलग अलग तरीके की बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, लेटर्स हैं, उनको स्टोर करके रखते, एक तरीके का म्यूजियम कह सकते हैं हम. ठीक है, तो आर्चीव आपकी क्या है, जहां पर बुक्स वगैरह को स्टोर किया जाता है. क्लियर. अब यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात हो रही है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखता कौन था, स्क्राइब्स. यूज्ड टू कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड. आप एक इंसान मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रहा है और सेम वही बुक किसी सेकंड वन को भी चाहिए, तो वहां पर फिक्स ऑथोराइज्ड स्क्राइब्स होते थे, पीपल होते थे जिनको असाइन किया जाता था, जिनको एक काम दिया जाता था कि मैन्युस्क्रिप्ट को वही कॉपी करेंगे. ठीक है, और ये स्क्राइब्स कौन होते थे, जिनकी राइटिंग अच्छी होती थी. ठीक है, और जिनका जो राइटिंग स्टाइल है वो अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग वहां पर कह सकते हैं ना कि जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग स्टाइल से बनाते थे, तो वो स्पेशल जो जिनके पास ऐसे स्किल्स होते थे उनको क्या एज अ स्क्राइब अपॉइंट किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था. क्लियर. अब आ जाता है इसके अलावा हम हिस्ट्री के बारे में जानना, जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करते कैसे, फॉरेन ट्रेवलर्स एंड देयर अकाउंट. वो लोग, वो विदेशी लोग जो हमारे देश में घूमने के लिए आए और यहाँ पर आकर उन्होंने जो अकाउंट, जो किताबें लिखी, जो इंफॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठा की उस राजा के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, यहाँ की जो अलग अलग कल्चर था उस कल्चर के बारे में, और उन्हीं अकाउंट से हमें इंफॉर्मेशन मिली. तो वो फॉरन ट्रेवलर्स कौन से देखे, अल मसूदी. कब आए थे, 1957 में आए थे. He was an Arab. कौन थे वो, एक अरब थे. Who gave an extensive account of India. किसके बारे में बताया, भारत के बारे में बताया. इसके बाद आ जाता है अलबरूनी. कब आया था, यहाँ पे देखिए 1024 से लेके 1030 तक इंडिया में रुके. He came to India along Mahmud of Ghazni. किसके साथ आया था, महमूद ऑफ गजनी के साथ आया था. He traveled all over India and wrote a book. तहकीका हिंद. किसके ऊपर लिखा था उन्होंने, भारत के ऊपर लिखा था, और उस बुक को उन्होंने नाम दिया था तहकीका हिंद. डिस्क्राइबिंग द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया. और ये किताब अलग अलग जो स्फीयर से इंडिया के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे. ठीक है, इसके अलावा आ जाता है यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, इबन बतूता की. किसकी बात हो रही है, इबन बतूता की. ये भी एक ट्रेवलर थे जो हमारी कंट्री में आए थे, 1333 से 1347 तक वो इंडिया में रुके थे. ही वाज अ मोरिश ट्रेवलर. ठीक है, कहां, मोरक्को के थे ये, इसलिए इनको मोरिश ट्रेवलर बोला गया. ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. किसके टाइम पीरियड में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर यहां पर आए थे. हिज बुक, जो उसने किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था, रिहला. Throws a lot of light on the reason of Muhammad bin Tughlaq. और रिहला किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उनकी रूलिंग के बारे में, उनकी जो वहां पर एम्पायर था उसकी सोसाइटी के बारे में, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी. ज्योग्राफिकल सोशल जो कंडीशन थे उनके बारे में क्या कर रहे थे यहाँ पर रिहला हमें एक ग्रेट इंफॉर्मेशन दे रही थी. किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में. क्लियर. अब आ जाता है देखिए यहाँ पे डोमिंगो स्पाइस. ठीक है, ये भी एक ट्रैवलर थे. कब आए थे, 1520 में इंडिया में आए थे और 1520 तक, 22 तक रुके थे. ही वाज अ पुर्तगाल. कहां के थे, पुर्तगाल के थे. पुर्तगाल ट्रैवलर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय. किसके टाइम में आए थे, कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे. और कृष्णदेव राय कहां के रूलर थे, विजयनगर के. क्लियर. इसके अलावा आ जाता है यहां पर विलियम हॉकिंस. किसकी बात हो रही है, विलियम हॉकिंस की. कब आए थे यहां पर देखिए, 16 8 में आए थे और 16 11 तक क्या है वो यहां पर रहे.
ही वॉज एन इंग्लिश अम्बेसडर, एक दूत थे, ठीक है, कहाँ के, एक इंग्लिश अम्बेसडर थे, दूत थे, और किसके टाइम में, किसके दूत थे, यहाँ पे देखिए किंग जेम्स के, और किसकी कोर्ट में आए थे, जहांगीर की कोर्ट में, ठीक है, मुगल जो एम्परर था जहांगीर उसकी रूलिंग में ये एक इंग्लिश अम्बेसडर बनकर आए थे, और किसके अम्बेसडर बन के आए थे, किंग जेम्स के। इन्होंने अकाउंट्स तैयार किए थे जिसके बारे में, जो हमें आज के टाइम में इस मेडिवल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सर थॉमस रो ये कब आए थे, 1615 से 1619 तक, ठीक है, यहां पर है, he was an ambassador of King James first at the court of जहांगीर, और ये भी क्या है, जेम्स जो किंग जेम्स थे उसके एम्बेसडर थे और जहांगीर के कोर्ट में ही आए थे, और जहांगीर कौन थे, एक मुगल एम्परर थे। ओके, इसके बाद जो आ जाते हैं हमें जो हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती है वो है बायोग्राफीज, ठीक है, बायोग्राफी क्या है, किसी पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके लाइफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें देती है उसको क्या बोला जाता है, बायोग्राफी। और यहाँ पे कई सारी बायोग्राफीज लिखी गई, किसने लिखी, देखिए फर्स्ट है गुलबदन बेगम, किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने, ठीक है, और ये गुलबदन बेगम ने जो यहाँ पे बायोग्राफी लिखी किसके बारे में लिखी, हुमायूं के बारे में, और इस बुक को क्या नाम दिया गया, हुमायूं नामा, throws light on the reason of the Mughal Emperor Humayun, और ये किसके बारे में, हुमायूं नामा में किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हुमायूं के रूलिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है चंद्र बरदोई, ठीक है, किसकी बात हो रही है, चंद्र बरदोई की, और इन्होंने जो बुक लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी, वो थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज नाम से ही पता चल रहा है, किसके बारे में, एडवेंचर्स इन्होंने दिखाए थे, उनके अचीवमेंट्स दिखाए थे, उनकी लाइफ को दिखाया था, किसकी लाइफ को दिखाया था, पृथ्वीराज चौहान की लाइफ को दिखाया था, और वो अजमेर और दिल्ली के रूलर थे, एक राजपूत रूलर थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अबुल फजल की, इन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी अकबरनामा, और एक और थी आईने अकबरी, क्लियर, और ये अकबरनामा और आईने अकबरी हमें अकबर के रूलिंग के बारे में बताती है, उनके अलग अलग पॉलिसीज के बारे में बताती है कि रूलिंग जो अकबर है वो किस तरीके से अपने अंपायर में रूलिंग कर रहे थे, ठीक है। आप इसके बाद आ जाती है ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पर किसकी बात हो रही है, देखो बाबर की, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था, बाबरनामा, ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तुर्किश भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, जिसको क्या है, बाबरनामा को एक और नाम दिया गया था, तुजका बाबरी, क्या नाम दिया गया था, तुजका बाबरी। नेक्स्ट आ जाता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फुतुहाता फिरोज शाह, ठीक है, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफीज है। इसके बाद आ जाती जहांगीर, तुजका जहांगीरी, ठीक है, तो ये किसके बारे में, जो पर्टिकुलर रूलर से उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके लाइफ के अलग अलग इवेंट्स के बारे में और उनकी रूलिंग के बारे में क्या ये अलग अलग किताबें इंफॉर्मेशन देती है। इसके बाद करेंगे हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कौन से हैं, वो पुरानी चीजें, ठीक है, जिसमें आपकी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, अलग अलग पुराने जो रिमेन्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, ये सारी चीजें हमें उस पर जब हम उसके वहां पर क्या है रिसर्च करते हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तब वो हमें पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हमें नॉलेज देते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाते हैं मोनूमेंट, मोनूमेंट में अलग अलग जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो आती हैं, ठीक है, उसमें टॉम्स हैं, फोर्ट्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, मस्जिद जो है, टेम्पल्स हैं, ये हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में। अब देखिए बृहदेश्वरा टेम्पल है कहाँ का, तंजोर का, जिसको तंजोर भी कहा जाता है, जैन टेम्पल्स कहाँ के, माउंट आबू के, ताजमहल जो है आगरा में, रेड फोर्ट दिल्ली में, ये मेडिवल आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो हम आर्कोलॉजिकल सोर्स में इनको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखिए जैसे, ठीक है, ये दिलवारा जैन टेम्पल है माउंट आबू का, ये उसकी इमेज आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सोर्स में, एक तो क्या थे मोनूमेंट्स, सेकंड आ जाते हैं कॉइन्स, कॉइन्स भी हमें बताते क्यों, कॉइन्स किस मटेरियल के बनाए गए, ठीक है, कौन से मेटल के बनाए गए हैं, उसके ऊपर कौन से मतलब सोने के हैं, चांदी के हैं, तांबे के हैं, किस चीज के वो कॉइन्स बनाए गए, तो उसे उस पर्टिकुलर रूलिंग के बारे में पता चलता है, उसके जो वहां पर वेल्थ है उसके बारे में पता चलता है, उसके ऊपर राजा के जो सिंबल्स बनाए जाते हैं उससे भी हमें उस पर्टिकुलर रूलिंग अथॉरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। बिलोंगिंग टू दिस पीरियड आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, कॉइन से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में। दे ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड, देखिए
सोने के बने तो काफी अमीर होंगे, चांदी के बना रहे तो फिर भी वो ग्रोथ पे होंगे, और वहीं पे तांबे या काशे का वो यूज कर रहे हैं, ब्रॉन्ज का या कॉपर के जो कॉइंस वो बना रहे हैं, तो इससे क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये सिक्के हैं, ठीक है, किसके हैं, राजा चोला ने बनाए थे, ठीक है, और जो किसका एग्जांपल है, चोला डायनेस्टी का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके, पेंटिंग्स की। आर्कोलॉजिकल जो सोर्स हैं उसमें पेंटिंग्स भी हैं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, पर्टिकुलर जो रूलिंग अथॉरिटी है, जो किंग है, उसके बारे में बताते हैं। आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ पीरियड इन एडिशन टू गिविंग जनरल इंफॉर्मेशन, दे थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, किस तरीके की आर्ट वहां पर है, स्पेशली आर्ट ऑफ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स टेल्स अबाउट द कॉस्ट्यूम, किसके बारे में, कैसे ड्रेस वो पहने हुए हैं, कैसा खाना वो खाते हैं, उनकी हैबिट कैसी थी, कैसी ज्वेलरी वो कैरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो पेंटिंग्स में शो की जाती थी हमें उनके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो गॉड हैं, ठीक है, या गॉडेसेस हैं, उनके बारे में जो अलग अलग इमेज बनाई जाती है तो हम देख के पहचान जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा किस तरीके से, जैसे शिव भगवान की बात होती है तो कैसे सिंपल दिखाए जाते हैं, तो इससे क्या अलग अलग जो उनको देख के हम उनके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सोर्स में आपका क्या आ जाता है, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस में वो मैसेज होते हैं, वो ऑर्डर्स होते हैं, जो किसके ऊपर, पिलर्स के ऊपर, कॉइंस के ऊपर, मोनूमेंट्स के ऊपर, या सील के जो आपका वहां पर है, सील के तौर पर भी क्या है आगे हमें मिले हैं, और जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिससे यहाँ पे देखिए दीज प्रोवाइड इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज इंपोर्टेंट डेट्स। किसकी बात हो रही है, इंस्क्रिप्शन हमें किसके बारे में बताते हैं, डेट्स के बारे में बताते हैं, इंपोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताते हैं, कि इंस्क्रिप्शन कौन से ओकेजन पर, कौन से फेस्टिवल पर, राजा के बर्थडे पर, या किस इवेंट पर बनाया गया, ठीक है। पर्सनल क्वालिटीज, राजा किस टाइप की सोच रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशंस के, दूसरों के साथ जो दूसरे रूलर्स हैं उनके साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, ये सारी चीजें या इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलता है किससे, इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर देखिए चोला इंस्क्रिप्शन दिखाया गया है, ठीक है, ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है यहां पर लिख के दिखाया गया है, ये कहां का है, चोला रूलिंग का इंस्क्रिप्शन है और एक टेंपल की वॉल पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये एक आर्कोलॉजिकल सोर्स है जिसको हम रीड करके यहां पर क्या है देख सकते हैं कि यहां पर क्या लिखने की, क्या कहने की कोशिश की गई है। इसके बाद आ जाता है व्हाट चेंजेस केम इन मेडिवल, कौन कौन से बदलाव हुए मेडिवल में, अब हम यहाँ पे उन्हीं चेंजेस के बारे में जानेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, भारत जो हमारा कंट्री का नाम है, ठीक है। तो ये जो भारत है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स को, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो एक साथ मिल जाते हैं तब क्या बनता है, भारत बनता है, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड भारत, और जो ये अलग अलग रिपब्लिक जिसमें अलग अलग आपकी स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सारे क्या है रिपब्लिक्स हैं और ये एक साथ जुड़ जाते हैं तभी इसको एक नाम दिया गया, क्या है, भारत, ठीक है। लेकिन वाई हिंदुस्तान इज यूज इन हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट, लेकिन हम अपने देश को इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान जो वर्ड है इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे टूडे दीज टर्म्स आर यहाँ पर used interchangeably to refer political and national entity that is identified as India. अब यहां पर हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदुस्तान जो एक शब्द है जब हमारे सामने बोला जाता है तो हम उसको अपने यहां पर रिलेट कर देते हैं किसके साथ, इंडिया के साथ, और ये एक तरीके की जो नेशनल एंटिटी है, जो आइडेंटिटी है उसको क्या है यहां पर प्रेजेंट कर रहा है ये नाम, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कुछ बदलाव है उसके बारे में अभी यहां पर बताएंगे। देखिए कि हिंदुस्तान जो नाम दिया जाता है, जो आज के टाइम में हम जिसको लेके चल रहे हैं, जो सोच उस नाम के साथ जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, ऐसा रियल में नहीं है। द नेम भारत इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ भारता, ठीक है। जो भारत देश का नाम है ये किससे, भरत नाम से आया है। भरत कौन था, सन ऑफ दुष्यंत, जो राजा दुष्यंत थे, जो हमारी कंट्री, हमारा जो इतना बड़ा जो ये लैंड है, जितना
मतलब लैंड मास है हमारे इंडिया का, उसके ऊपर रूलिंग करने वाला राजा था दुष्यंत और उसके बेटे का नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर नाम रखा गया हमारे देश का भारत। अ लेजेंडरी रूलर मेंशनड इन द महाभारत, और जो भरत है इसका नाम किसमें मेंशन किया गया महाभारत में, हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सिमिलरली द नेम इंडिया हैज बीन इन यूज सिंस द 17th सेंचुरी, और जो नाम इंडिया, देखिए ब्रिटिशर्स के आने के बाद या ब्रिटिशर्स के आने के साथ जो हमारी कंट्री का नाम था वो क्या पड़ गया था, इसको इंडिया कहा जाने लगा था। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडोए, और इंडिया जो आपका नाम है कंट्री का ये किस वर्ड से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, और जो वर्ड कौन सा है इंडियो, ठीक है, विच मीन्स द रीजन बियॉन्ड द रिवर इंडस, ठीक है। तो इंडस रिवर जो आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जम्मू कश्मीर से निकलकर जो पाकिस्तान में जो रिवर चली जाती है इंडस रिवर, जिसको हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है, उसके आगे का जो एरिया था उसको क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। द इंडस इज डिराइव्ड फ्रॉम, इंडस जो नाम है यहाँ पर वो किससे है, संस्कृत नेम ऑफ रिवर सिंधु, इंडस जो है ठीक है वो किसका नाम है, सिंधु रिवर का नाम है, और सिंधु किसने थे यहाँ पर संस्कृत में, ठीक है। द रूलर्स यहां पर जो इंडस रिवर जो सिंधु दिया गया है ठीक है, तो इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया, यहां जितने भी लोग थे उनको ये नाम दिया गया, आपका सिंधु थे तो उन सभी लोगों को नाम दिया गया हिंदू, ठीक है। वो अलग अलग कास्ट के अलग अलग रिलीजन के जो भी लोग थे उन सभी को क्या कहा गया, सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, और इसी तरीके से वो सारे के सारे क्या हो गए, उन सभी लोगों को वहां पर नाम दिया गया हिंदू। तो ये जो हिंदू टर्म जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं हिंदू रिलीजन के साथ, ये टर्म पुराने समय में जब हम इसके जड़ों के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करते तो उस टाइम पे इसका मीनिंग ये नहीं होता था। इंडस रिवर के साथ रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा गया था, और आज के टाइम में जो हिंदू रिलीजन के साथ हिंदू लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को हिंदुस्तान प्रसीव किया जा रहा है, माना जा रहा है, सोचा जा रहा है, ठीक है। द रूलर्स इन द सुल्तनेत एंड मुगल पीरियड कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन हिंदुस्तान, ठीक है। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे मुगल से, उन्होंने इंडिया का जहां पर वो रूलिंग कर रहे थे उसको नाम दिया उन्होंने किसका, हिंदुस्तान का, जो कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द सेम मीनिंग एज इट डज टुडे, लेकिन उस समय इसका मीनिंग वो नहीं था जो हम आज समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिन्हास उस सुराज सिराज क्रॉनिकल इन द 13th सेंचुरी यूज्ड द टर्म टू डिनोट द एरियाज ऑफ पंजाब। मिन्हास ने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया किसके लिए, पंजाब हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था उस एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया, हिंदुस्तान का, ठीक है। इन अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी फोना कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बाबर ने यहां पर इंडिया में जहां पर उनकी रूलिंग थी यहां पर रहने वाले यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, यहां पर अलग अलग वैरायटी के जो फोना पाए जाते थे, यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ के वासियों को उन्होंने नाम दिया क्या, हिंदुस्तान, ठीक है, उनको हिंदुस्तानी कहने लगे। हिंदुस्तान बिकेम सिनोनिम्स विद इंडिया ओनली ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, और हिंदुस्तान मतलब इंडिया नाम आ गया, भारत नाम आ गया, और हिंदुस्तान भी उन दोनों नामों के एक यहाँ पे समानार्थ के तौर पर यूज किया जाने लगा का ब्रिटिश रूलिंग के टाइम पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब यहाँ पर नए नए कौन से सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर कर सामने आए। ड्यूरिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिटवीन 700 to 1750 वी फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। द मेन कास्ट यहां पर देखिए, द मेन कास्ट वर डिवाइडेड इन टू मेनी सब कास्ट। एक जो जात थी, एक जो वहां पर जाति थी, वो बहुत सारी दूसरी जातियों में भी क्या सब ग्रुप्स में उपजातियों में बटी हुई होती थी, बटने लगी थी। द मिंगलिंग ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम कल्चर लेट द फाउंडेशन ऑफ द भक्ति मूवमेंट। जहां पर हिंदू और मुस्लिम कल्चर दोनों साथ चल रहे थे, अब यहां पर भक्ति मूवमेंट एक नई तरीके की मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट आपको बताना चाहूंगी जो उस टाइम पे जो सोशल इवेल्स थी, जो सोशल वहां पर बुराइयां थी उनको हटाने के लिए जो मूवमेंट लॉन्च किया गया उसको क्या नाम दिया गया था, भक्ति मूवमेंट का, ठीक है। बिटवीन द 700
the year 700 and 750, a number of people came to subcontinent attracted by its wealth. कि बाहरी जो लोग थे हमारे देश की संपन्नता को देखते हुए, यहाँ के पैसे को देखते हुए, यहाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और यहाँ पर आ गए. Among such political groups were the early Islamic invaders like महमूद ऑफ गजनी. ठीक है, ये यहाँ पर महमूद गोरी और महमूद ऑफ गजनी. ठीक है, दो नाम आपके यहाँ पे आगे, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी. ये यहाँ की संपन्नता को देखकर, यहाँ के पैसे को देखकर आए थे. अलग अलग ये कौन थे? इस्लामिक इन्वेडर थे जो भारत से इसके धन को लूटने के लिए आए थे. दे वर फॉलोड बाय द तुर्क, और उनके पीछे पीछे कौन आए? तुर्क. और जिन्होंने क्या यहाँ पर शुरुआत की, किसकी? दिल्ली सुल्तनेट की. द दिल्ली सुल्तनेट वॉज रिप्लेस्ड बाय द मुगल्स, और दिल्ली के जो सुल्तान थे उनको हटा दिया. किसने? मुगल्स ने. ठीक है, जो मुगल्स आए उन्होंने क्या उनको वहां से रिप्लेस कर दिया. व्हाइल दीज पीपल केम बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, देयर वर सेवरल अदर ग्रुप्स ऑफ न्यू रूलर्स हु मर्ज विद इन द बॉर्डर. देखिए, महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद गोरी, ठीक है, या मुगल्स या तुर्क की हम बात करें, वो दूसरी जगह से आए थे, दूर से आए थे. लेकिन हमारे यहां पर भी, कंट्री के अंदर भी बहुत सारे नए ग्रुप जो है उभर कर सामने आ रहे थे, जिसमें राजपूत थे, सिख थे, मराठास थे, अहोम थे, जाट थे, ठीक है, और कायस्थास थे. ये अलग अलग ग्रुप क्या है यहां पर उभर रहे थे. आप इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में? इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में. इकोनॉमिक क्या है? हमारी जो पैसे से जुड़ी हुई जो ग्रोथ थी उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, किसका? कृषि का, कृषि में बढ़ोतरी हो रही थी. और जिससे क्या हो रहा था? कृषि को बढ़ाने, जो फार्मिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर जो, उसको बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था. क्यों? क्योंकि हम कल्टीवेशन किस पे करेंगे? लैंड पे करेंगे. और वो जमीन जिसके ऊपर पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा था ताकि वहां पर क्या किया जा सके? फसलें उगाई जा सके. और इससे क्या हुआ? माइग्रेशन स्टार्ट हुई. किसकी? फॉरेस्ट ड्वेलर्स की. और ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहां से? दूसरे एरिया से आए उस जमीन को साफ करने के लिए. रीजनल मार्केट सब वहां पे सेटअप होने लगी. चीफटेन्स जो थे, ठीक है, जो राजा के अंडर होते थे, नोबल्स जिनको हम कह सकते हैं, जो राजा की मदद करते थे, ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे किसको? पीसेंट्स को. अब ये जो सोसाइटी थी अब काफी कॉम्प्लेक्स हो गई थी. देखो, पहले वर्ण सिस्टम था तो हमारी सोसाइटी क्लियर थी, जिसमें ब्राह्मणास थे, क्षत्रियास थे, वैश्यास थे और शूद्र थे, जिनको हम क्या आसानी से समझ सकते थे. लेकिन अब बहुत सारी सब कास्ट वहां पर आ गई थी, जिससे क्या चीजों को समझना काफी मुश्किल हो गया था. और इसीलिए वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस. और ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, जो सोसाइटी में इतना कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो गई थी, इनको टैकल करने के लिए टैक्सेस लिए जाने लगे थे. दे ऑल्सो ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स. और अपनी सेफ्टी के लिए, अपने वेलफेयर के लिए वो राजा को वहां पर गिफ्ट देते थे. अपने हेड्स जो थे, उनके लॉर्ड्स जो थे, उनको क्या देते थे? वहां पर गिफ्ट देते थे ताकि वो खुश रहे. सम पीसेंट्स वर रिच व्हाइल अदर्स वर पुअर. अब देखिए, फार्मर्स क्या थे? फार्मर्स और जो आर्टिशंस थे उनमें से कुछ अमीर थे और कुछ गरीब भी थे. द न्यू पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो ब्रॉट विद देम बेटर टेक्नोलॉजी. जो लोग बाहर से आए वो अपने साथ आर्ट और जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, टेक्नोलॉजी है, वो नई लेके आए, जो कि हमारे पास ऐसी नॉलेज नहीं थी. इन इरिगेशन द पर्शियन व्हील, ठीक है, इरिगेशन के लिए रहट जो बोला जाता है, ठीक है, वो विदेशी एक इक्विपमेंट था जो हमारी कंट्री में है. इसके अलावा स्पिनिंग व्हील, ठीक है, जो किसके लिए? बुनने के लिए लाया गया. इसके अलावा फायर आर्म्स जो है वो विदेशी चीज थी जो हमारी कंट्री में आई, जिसके बारे में हमें नहीं पता था और ये बेटर टेक्नोलॉजी थी. क्लियर? यहां पर देखिए, फॉर राइटिंग पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अब क्या है? पेपर, बेटर क्वालिटी का पेपर यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा चुका था. न्यू फूड आइटम्स थे, नई नई जो पीने की शरबत या दूसरी जो चीजें थी वो यहां पर अवेलेबल थी. अब देखिए, खाने की चीजें कौन सी थी? पोटैटोस बाहर से आए, कॉर्न बाहर से आया, ठीक है, चिली बाहर से, टी और कॉफी. क्लियर? अब हम अलग अलग चेंजेस देख रहे थे यहां पर, ठीक है, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रीजन टू अंपायर, अलग अलग क्षेत्र से बड़ी जो रूलिंग है उस तक. द अर्ली मेडिवल पीरियड सो द इमर्जेंस ऑफ मेनी स्मॉल किंगडम्स
विच वर फ्रीक्वेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। इस टाइम पीरियड में अलग अलग जो छोटे रूलिंग्स थी उनको उभरते हुए देखा, जो पहले आपस में टकराती रहती थी, ठीक है, टकराती रहती थी। जैसे राजा के अंडर बहुत सारे जो चीफ होते थे, और वो चीफ जब राजा को मदद करते थे अपनी आर्मी से, और जब इन चीफ्स को पता चल गया कि राजा समझ जाते, ठीक है, या ये ज्यादा पावरफुल हो जाते, तो ये राजा को क्या कर देते थे, अपोज कर देते थे और खुद की वहां पर खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। अमंग दिस रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट विच वाज फॉर इंक्रीजिंग देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, किस लिए होता था, या आपस में क्यों कॉन्फ्लिक्ट करते थे अपने एरिया को बढ़ाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉन्फ्लिक्ट इज द ट्री पार्टी स्ट्रगल। सबसे बड़ा जो जाना माना है, सबसे प्रसिद्ध जो संघर्ष हम कह सकते हैं, कौन सा है, ट्री पार्टी स्ट्रगल। अब इसको ट्री पार्टी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें तीन जो पावर थी, ठीक है, थ्री जो पावरफुल रूलिंग थी वो आपस में लड़ी थी, जिसमें कौन सी थी, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा, ठीक है, ये आपस में जब लड़े थे तब इसको क्या बोला गया था, ट्री पार्टी स्ट्रगल। इन साउथ, अब साउथ में क्या है, नई जो रूलिंग अमरजेंस देखी गई, जिसमें कौन थे, चोलास, ठीक है, दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अब चोल जो रूलिंग थी, इन्होंने ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो व्यापारिक संबंध बनाए, किसके साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और चाइना के साथ। ये भी एक नई कम्युनिटी उभर कर सामने आ रही थी जो काफी पावरफुल थी। नॉर्थ की बात करेंगे, इन द नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन लार्ज एम्पायर्स लाइक दोज ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स वर क्रिएटेड विद encompassed many reasons. However, the dimension and control of these empires varied under different rulers. देखिए, दिल्ली सुल्तनत में अलग अलग रूलर्स आए, ठीक है, और उनकी अलग अलग पॉलिसीज थी, उनके अंडर जो एरिया था वो भी एक्सपेंड, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता था अलग अलग रूलर के हिसाब से। तो वहां पर जो सिचुएशन थी वो भी अलग अलग थी अलग अलग रूलर्स के अंडर। लॉन्ग एंड कंटिन्यूस पीरियड ऑफ वीकनिंग सेंट्रल कंट्रोल सो द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर। सेंट्रल कंट्रोल, एक राजा के अंडर बहुत बड़ा अंपायर होता है, और जब राजा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उसके अंडर जो अंपायर है उसमें अलग अलग एरिया अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, उसका अंपायर वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और जिसमें मैंने रीजनल स्टेट्स इमर्ज्ड आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ दिल्ली सुल्तनत, जिसमें से जो दिल्ली सुल्तनत का जो वहां पर कंट्रोल था जब डेक्लाइन होने लगा, तो बहुत सारे नए जो वहां पर स्टेट्स थे वो भरकर सामने आए। और उसके साथ साथ मुगल जो अंपायर था, जब वो डेक्लाइन हुआ 18 सेंचुरी में, तब भी क्या है, ऐसी चीजों को नोटिस किया गया। रिलीजन प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द मेडिवल इंडियन सोसाइटी। रिलीजन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जो क्या, चीजों को चेंज करने में, उनमें बदलाव लाने में काफी वहां पर डोमिनेट था। हाउएवर द पीरियड विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड इंपॉर्टेंट चेंजेस टू प्लेस इन हिंदुइज्म, किसमें, हिंदू धर्म में बहुत सारे बदलाव वहां पर नोटिस किए गए। अ मेजर डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। पहले ही बता चुकी हूँ किसके बारे में, भक्ति मूवमेंट के बारे में। जब हिंदू धर्म में या दूसरे धर्मों में जो अलग अलग गलत चीजें हो रही थी, ठीक है, लोगों का डोमिनेशन हो रहा था, एक्सप्लोटेशन हो रहा था, उन चीजों को बदलने के लिए वहां पर कुछ संत जो थे, सेंट जो थे, उन्होंने उनको अवेयर करने की कोशिश की, और इसी अवेयरनेस के मूवमेंट को बोला गया भक्ति मूवमेंट। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम अपीयर्ड, और ये वो मेडिवल टाइम वो था जिसमें इस्लाम, एक नया धर्म जो है, हमने जाना और हमारे एरिया में दिखा। अपार्ट फ्रॉम इस्लाम, अनदर ट्रेडिशन दैट केम फ्रॉम वेस्ट एशिया वाज द सूफी ट्रेडिशन, ठीक है। अब इस्लाम जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ जुड़ा हुआ भक्ति मूवमेंट है, उसी तरीके से इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ जो ट्रेडिशन था उसको सूफी नाम दिया गया। क्लियर। द पीरियड सो द इमर्जेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ सेवरल भक्ति एंड सूफी सेंट्स हु टुक अप द कॉज ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जैसे सलीम चिश्ती, ठीक है, अजमेर की जो दरगाह है, उस तरीके से हमारे अलग अलग जो भक्ति, हमारे जो अलग अलग भक्ति रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने सामाजिक, सोशल हमारी जो कंडीशन थी, रिलीजियस जो हमारी कंडीशन थी, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए। उन्होंने प्रीच किया किसके लिए, क्वालिटी टू इक्वालिटी टू ऑल मैनकाइंड, कि सभी इंसान एक समान है, एक जैसे हैं, वो चाहे हिंदू हैं, वो चाहे मुस्लिम हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के। यहीं पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोई क्यूरी फिर भी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं, और
नया कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं जो मैं जल्दी अपलोड करूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे इस सेशन को, मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके लिंक को आप पक्का कॉपी करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।